अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, जिस याचिका में ये निवेदन किया गया था कि जो सरकारी बैंक हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो लोग बड़ी सख्ती के साथ में पेश आते हैं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित मंत्रालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की बात कही है और उन्होंने इसके साथ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। एक्चुअली में वकील साहब ने इसमें जो प्लीडिंग की थी उनसे भी कोर्ट ने ये कहा कि आप कितने सालों से वकालत कर रहे हैं, क्या हम विधायिका को कोई नोटिस जारी कर सकते हैं? वकील साहब ने अपनी याचिका में ये लिखा था, आरबीआई ने 2003 में इस समस्या के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर पहले से सर्कुलर जारी है तो इसमें हम क्या करें? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं विधायिका को निर्देश देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि आप दिशा निर्देश दें कोई। तो उन्होंने कहा, भाई हम दिशा निर्देश नहीं दे सकते, आप कितने सालों से वकालत कर रहे हैं, आपको ये इसकी जानकारी नहीं है कि आप क्या मांगने आए हैं और हम क्या दे सकते हैं आपको। उन्होंने यही बात कहते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने उनको इस बात की स्वतंत्रता दी कि आप चाहें तो संबंधित मंत्रालय के सामने जाकर के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं ये बात। संजय दत्त की मूवी ईएमआई लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। मगर पैसे प्यार से भी तो वसूल किए जा सकते हैं, प्यार से तो बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपको इतना आसान लगता है तो आप दो एयर होस्टेस खड़ा कर दीजिए हाथ जोड़ के, क्या और आपको मिल जाएंगे, हमारी क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये छोटी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि रिकवरी एजेंट जब तक प्यार से मांगते हैं पैसा तब तक कोई देता नहीं, और प्यार से तो सिर्फ बच्चे ही पैदा किए जा सकते हैं, रिकवरी नहीं की जा सकती। इसीलिए तो संजय दत्त ने कहा था कि भाई यार होस्टेस रख लो जो आपसे प्यार से बोले, प्यार से रिकवरी कराए, प्यार से तो रिकवरी होती नहीं, रिकवरी एजेंट को थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है तभी पैसा दिया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये मजाक का नहीं, सोचने का विषय है। हमारे बैंक कब डूब जाएं भरोसा नहीं, और बैंक डूब गए तो हमारा देश डूब जाएगा, इसलिए इनको बचाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सख्त कानून लाने पड़ेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ एक शिकंजा कसना पड़ेगा। इसमें अदालतों को भी अपना अच्छा रोल अदा करना पड़ेगा, जब भी कोई रिकवरी सूट लगे किसी भी संस्था की तरफ से उसमें अदालत को तेजी से मुकदमा निपटाना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक फंड होता है, पब्लिक फंड को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, वकीलों की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को सब समझेंगे। सरकार बंदर बांट ना करे, फालतू की सब्सिडी ना दे, फालतू के लोन बांटने के लिए प्रेशराइज ना करे, जिस आदमी पे खाने को नहीं है वो चुकाएगा कहाँ से, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो इसलिए दोस्तों, एक अच्छे से मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ यहाँ पर। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा।